नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने आप को संगठन को खड़ा करने के लिए 8 वर्ष की उम्र से ही मेहनत की। राज्यसभा सांसद हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं तो कहने में कोई गुरेज नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस स्थिति में है बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है इनका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नरेश बंसल जी से बात होगी कोरोना की, बात होगी आपदा की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सामने चुनाव दस्तक दिया है नरेश बंसल जी, और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे क्या होंगे, किस आधार पे आप 22 फतेह करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का सरकार का कार्यकाल, डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से सचिवालय को दलालों से मुक्त किया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसको लेकर के हम आगे बढ़े और हर क्षेत्र के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सैनिकों के लिए, यानी सब वर्ग के लिए जो काम किया है जिसका नाम है सबका विकास, तो सबका विश्वास हमको मिलेगा, उस आधार पर सबके प्रयास से हम 2022 को फतेह करेंगे। कई मुद्दे हैं सामने, विकास काम है, भारतीय जनता पार्टी अपने 5 वर्षों का विकास दिखाएगी, साथ में भ्रष्टाचार की जो आप बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्ति की तरफ उत्तराखंड चला उसको, लेकिन मुख्य मुद्दा क्या होगा जिस पे आप ये मान के चल रहे हैं कि 22 आपके पास वापस आने जा रहा है। तो मुख्य मुद्दा मैंने वही बताया कि 5 साल का हमारा कार्यकाल, ईमानदार सरकार, निर्णय लेने वाली सरकार और मेट्रिकुलसली मॉनिटरिंग करने वाली, जिससे हमको भ्रष्टाचार को रोकने में सफलता मिली, और वो जो भ्रष्टाचार का पैसा रुका है वो कहीं ना कहीं विकास में लगा है। उदाहरण देना हो तो मैं 2 उदाहरण आपको देहरादून के देता हूँ। बल्लूपुर और ये बल्लीवाला चौक का फ्लाईओवर, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 20 करोड़ रुपए कांग्रेस के शासन में बने, और ये 4 लेन बनना था किंतु ये बना 40 करोड़ में, डबल लेन बना बजाय 4 लेन के, और उसके कारण से आज इसको लोग फ्लाईओवर को मौत का फ्लाईओवर बोलते हैं, कई दुर्घटनाएं होगी। दूसरी ओर हमारे शासन में टनल बनी है, आपने देखा होगा डाट वाली टनल, सबने देखा है वो जितनी उसकी कॉस्ट एस्टिमेटेड थी उससे 9 करोड़ कम में बना करके हमने दिया। नो डाउट सूर्यधार तहसील, वो सूर्यधार झील जो बनी जिससे ग्रेविटी का पानी देहरादून को सबको मिल रहा है, उसका एस्टिमेट जब हम आए तो था 50 करोड़, जब उसको रीएस्टिमेट कराया गया तो वो 25 करोड़ में बन गई जगह जगह पर। इस प्रकार के काम हमने किए हैं, मॉनिटरिंग की है उसकी, कहीं पर भी पैसा दुरुपयोग ना हो, सब क्षेत्रों में हमने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भले ही कोरोना आया हमने उसका साहस के साथ मुकाबला किया, स्वास्थ्य सेवाओं को कई गुना बढ़ाया है, कई गुना। तो हर क्षेत्र में हमने जो काम किया है, किसानों के खाते में आज सीधा सीधा पैसा जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री एक थे जो कहते थे कि मैं 100 रुपये भेजता हूँ तो 15 रुपये जाते हैं, आज तो मोदी जी बटन दबाते हैं सीधे 2000 रुपये किसान के खाते में जाते हैं। कई चीज़ें हैं जो कि इस राज्य के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। बड़ौत आता है, बड़ौत बहुत बड़ा आपदा होती है, उत्तरकाशी पूरा बर्बाद हो जाता है, उसके बाद 2010 में निशंक जी मुख्यमंत्री थे तब पहाड़ों पे आपदा आई, 13 में आपदा आई, लेकिन इस बार जब आपदा आई तो उस आपदा को आने के साथ ही उस पर बचाव कार्य, राहत कार्य उसी मुस्तैदी से किए गए जो यहाँ के लोग चाहते थे। तो क्या ये मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति मानी जाए, या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही थी तो वह पहले से तैयार थी कि हर वर्ष की तरह इस बार भी आपदा आएगी, तो आपदा को कैसे संभालना है? नहीं नहीं, हमारी जब सरकार आई तो हमने आपदा मंत्रालय का अलग से गठन किया, उसके लिए एक मंत्री बनाया, आपदा प्रबंधन तंत्र को खड़ा किया, NDRF SDRF सबकी यूनिट्स बनी है, यहाँ पर स्थापना हुई है उनकी। आपने देखा होगा इससे पहले भी, मैं जब सांसद बन गया था तो चमोली में आपदा आई, उस समय तब भी 24 घंटे के अंदर केंद्र की और प्रदेश की सरकार ने सक्रिय होकर उस आपदा का मुकाबला किया। हम सभी सांसद प्रधानमंत्री जी को
और उस समय गृह मंत्री जी को मिले भी थे और तुरंत वहाँ से भी सहायता मिली। आज भी वही हुआ, जब आपदा आई, भाई आपदा तो आपदा है, उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन हमने तुरंत सक्रिय होकर के सरकार ने और पार्टी ने और केंद्र ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। नहीं, आपदा को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन आपदा आने के बाद जिस तरह से वहाँ राहत कार्य होने चाहिए, उसके बाद बचाव कार्य होने चाहिए, उसमें सरकार की जो काम करने की इच्छा शक्ति वो दिखाई देती है। 13 में हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से वहाँ बचाव कार्य राहत कार्य होना चाहिए थे, वह उस स्तर पर नहीं हुए जैसी लोगों ने उम्मीद की थी। लेकिन 21 में जब अभी आपदा आती है तो जिस मुस्तैदी से हुआ, तो क्या पहाड़ सीख गया है आपदा से लड़ने का? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है। 2013 में जब आपदा आई तो एक सप्ताह तक सरकार पैरालाइज स्थिति में थी, क्या करें क्या ना करें पता ही नहीं था। उस समय हमारे मोदी जी स्वयं आए जी। उन्होंने स्वयं राहत कार्य चलाया, हमने पार्टी हम विपक्ष में थे लेकिन जगह जगह हमने राहत शिविर लगा करके राहत कार्य किया, रेस्क्यू कार्य किया। और आज चूंकि हमारी पार्टी का वर्किंग कल्चर है, हम काम करते हैं तो काम करने के लिए 24 घंटे पार्टी जनता के बीच में रहती है, तो हमारी सरकार में मुख्यमंत्री भी है तो वो कार्यकर्ता है, उसकी कार्य करने की शैली है, कार्यकर्ता के रूप में वो काम करता है। तो उसने काम करके दिखाया कि जैसे आपदा आई वो स्वयं सोया नहीं और क्षेत्र में पहुंच गया। तो इस प्रकार से क्षेत्र में पहुंचकर अधिकारियों को निर्देशित करके, सरकार का इन्वॉल्वमेंट करके, केंद्र से अमित शाह जी स्वयं आए। आपको ताजुब होगा, अमित शाह जी अहमदाबाद से सीधे यहां पर रात को 12:30 बजे लैंड किए, दिन भर वहां काम करके। ये पार्टी का हर कार्यकर्ता का नीचे से लेकर के और प्रधानमंत्री जी तक हर एक का कल्चर है कि जब आवश्यकता होती है तब तो वो काम के लिए खड़े रहते हैं, कभी आराम नहीं करते। रात को 12:30 बजे लैंड किए और सुबेरे क्षेत्र में चले। लेकिन नरेश बंसल जी, इतनी बड़ी शख्सियत उत्तराखंड में आती है, उसका फायदा भी तो उत्तराखंड को मिलना चाहिए था। नहीं, वो मिलता है ना, बराबर मिलता है। आपदा में क्या दिया? जो आपदा में आपदा में सीधे सीधे आपने सुना होगा, गृह मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि हम पूरी तरह उत्तराखंड के साथ खड़े हैं, लेकिन आकलन के अनुसार मिलेगा, आकलन उसका हो रहा है। और फौरी राहत जितनी चाहिए वो तुरंत मिल गई, बाकी तो पुनर्वास है, अन्य चीजें हैं, वो तुरंत तो होने वाली नहीं है। उसके लिए जो पैकेज है या जो उसके लिए केंद्र की सहायता है वो निश्चित रूप से मिलेगी। बहुत से लोग उसको चुनावी नजर से भी देख रहे हैं। चुनावी नजर से तो वो तब देखते थे, बिना आकलन के घोषित हो जाता, कोई घोषित तो किया नहीं, उनके उसका आकलन हो रहा है उनके दौरे को। अब जिनको रात को 11 बजे आना, फिर वहाँ यहाँ 11 नहीं 12:30 बजे आना, उसके बाद पूरा प्रदेश का प्रभावित क्षेत्र का हवाई दौरा करना, इसको चुनावी नजर से भी देखा जा रहा है। ऐसा है, बाकी की सारी पार्टियां केवल चुनावी पार्टियां हैं, वो केवल चुनाव के समय सक्रिय होती है, इसलिए उनको केवल चुनाव दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहती है, चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, जनता की सेवा करना ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। लेकिन आपके नेता तो कहते हैं कि 24 आवर्स हम चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए रहते हैं ना, क्योंकि हमारा जनता से लाइव कॉन्टैक्ट है, हम 24 आवर्स जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए हम तैयार रहते हैं, हमें दिक्कत नहीं होती। इनको दिक्कत होती है क्योंकि ये चुनावी पार्टियां हैं, चुनाव के हिसाब से सब चीज सोचते हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे चुनाव की बात अगर की जाए, चुनाव 22 में है और 22 के नज़र से सारी चीज़ों का माहौल बन रहा है, कोरोना आया, कोरोना में जो भी काम हुआ उस काम को माना जा रहा है कि उस समय के हिसाब से महंगाई भी बढ़ी, तो कोरोना में जो आपने काम किया उस काम को ये जो महंगाई बढ़ी है उससे कहीं दब जाएगा आपका काम? नहीं नहीं, लोग देखते हैं ना, कोरोना में जिस प्रकार से सारा बुनियादी ढांचा स्वास्थ्य का खड़ा हुआ, आप जानते हैं जब कोरोना आया तो पूरे देश भर में एक लैब थी, 70 साल में एक टेस्टिंग लैब जिसमें 1500 टेस्ट हो सकते हैं, लॉकडाउन किया, उसके बाद हमारे यहाँ सैनिटाइजर नहीं बनता था, हमारे यहाँ पीपी किट नहीं बनती थी, हमारे यहाँ मास्क नहीं थे, ये सब खड़ा किया और आपदा में अवसर खड़ा करके एक साल बाद ये स्थिति है कि आज हम उन सब चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वेंटिलेटर हमारे पास नहीं थे, मान गए, आज 3000 लैब, 2500 से ऊपर लैब टेस्टिंग है और हम 30 लाख टेस्ट पर डे कर सकते हैं, काम केवल 1500 टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं मान गया कि उत्तराखंड में जो आपदा
का जो आप पूरे देश में आप मानते हैं कि जो आपदा है उसको अवसर में बदला गया, लेकिन उत्तराखंड में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। 20 वर्षों से हम रिवर्स पलायन की बात करते हैं, बहुत पैसा खर्च हो चुका, आयोग भी बना, लोगों ने प्रयास भी किया, सत्ता ने, सरकार ने, व्यक्तियों ने, कि रिवर्स पलायन हो, लेकिन इस कोरोना के दौर में जब रिवर्स पलायन आया तो उसे हम रोक नहीं पाए। नहीं देखिए, सत्ता के समय जब समय ये आपदा आई तो सब लोग अपने अपने घर की तरफ आए। इतना तो हुआ कि जो लोग बाहर काम कर रहे थे उनको अपनी मातृभूमि में आने का अवसर मिला और उनका एक चिंतन चला कि हमको यहाँ पर भी रहना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये रिवर्स प्लान का भी एक संकेत है। फिर पहली बार हमारी सरकार ने प्लान आयोग बनाया, लेकिन उनको रोक नहीं पाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, लगभग 70% लोग वापस चले गए। अगर उनको आप सही व्यवस्था देते, सही चीजें उत्तराखंड में उनको उपलब्ध होती, तो जिस प्रयास में आप थे कि उत्तराखंड के लोग जो बाहर गए हैं वो वापस आए, अगर वो आने का एक, जैसे आपने कहा ना कि आपदा को अवसर के रूप में, तो एक ये बड़ा अवसर था, इस अवसर से मिस कर गई उत्तराखंड। नहीं नहीं, आप देखिए, आपने ही कहा अभी कि 70% लोग, इट मीन 30% रुके है ना। हाँ। पहले प्रयास में 100% तो रुक नहीं सकते, देना तो चाहिए उनको पूरा दिया ना, पूरा मौका, पूरा मौका दिया, व्यवस्था दी हमने, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, चंद्रसिंह गढ़वाली के अंतर्गत होम स्टे, रेस्टोरेंट, सबका अवसर दिया। लेकिन आपने ये भी देखा कि कोरोना की महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर बड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि सब चीज़ लॉकडाउन में थी। फिर भी अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ रुपया इसी के लिए दिया, परिवहन के क्षेत्र में जो हुआ सारा, और सारे टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हमने काम किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं बताऊँ, जब हमारी सरकार आई तो केवल हमारे पास 1000 डॉक्टर थे, 3000 डॉक्टरों के पद हैं, उसके मुकाबले केवल 1000 डॉक्टर थे। हमने अपनी सरकार आने के बाद आज उसकी संख्या 2500 कर दी। तो किया उसके हिसाब से काम, बातें आप कर रहे हैं, हम सारी चीजों पे बात करेंगे। चुनाव की दौर है तो चुनाव पे ज्यादा फोकस होगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। उत्तराखंड के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और प्रतिभा के आड़े ना आए कोई आर्थिक संकट, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और OTA, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित छात्रों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। छात्रों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये पैसा उम्मीदवार को एक मुश्त दिया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि में किसी तरह की दिक्कत न हो। पैसों का पूरा भुगतान सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में होगा। 50,000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आर्थिक मदद है, जिससे हम प्री क्लियर करने के बाद अपनी आगे का स्टडी मटेरियल और आगे की तैयारी कर सकते हैं। वो आराम से टेंशन फ्री होकर अपने फाइनेंस निकाल सकता है, वो अपनी बुक्स ले सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का उठाया ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मदद से उत्तराखंड का युवा खुद लिखेगा अपना सुनहरा भविष्य। अब लक्ष्य को हासिल करने की राह में न होगी कोई बाधा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। ब्रेक के पहले बात कर रहे थे तो कई बिंदुओं पे फोकस किया, कहा कि सरकार ने बहुत कुछ किया है। नरेश बंसल जी, अगर सरकार ने बहुत कुछ किया है और भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ करती है, जब राज्य बना तो राज्य आपको मिला, जब राज्य मिला तो आप पूरे अपने कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्री लाते हैं, दूसरी बार सत्ता आपके पास मिलती है तब आप 3 मुख्यमंत्री लाते हैं, इस बार सत्ता मिली तब भी आप 3 मुख्यमंत्री रहे, क्या कारण है कि बार बार जो ये मुख्यमंत्री का चयन है वह सही नहीं हो पाता? नहीं नहीं, चयन मुख्यमंत्री बदलने का अर्थ चयन गलत हुआ ऐसा नहीं है। आखिर जो मुख्यमंत्री पहले वाले थे 4 साल उन्होंने राज्य चलाया है, ऐसा नहीं है, आज भी उनकी भूमिका है और पहले भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तो कोई भी काम केवल चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं करती, हमारा काम है हमारा राष्ट्रहित प्रथम, पार्टी हित सेकंड और सेल्फ थर्ड, बाकी लोगों का रिवर्स है,
उनका सेल्फ इंटरेस्ट फर्स्ट, उनका पार्टी का इंटरेस्ट सेकंड, और नेशनल इंटरेस्ट थर्ड। हम नेशनल को, नेशनल इंटरेस्ट पहले रख करके चलते हैं, और उसके लिए हमेशा एक इच्छा रहती है सबकी कि कैसे अच्छे से अच्छा किया जाए। अच्छे से अच्छा करने में कई तरह के बदलाव करने पड़ते हैं। इस बदलाव में उत्तराखंड जैसा छोटा प्रदेश, 1.25 करोड़ की आबादी, हर आदमी एक दूसरे से कनेक्ट है, एक जगह से पहुंचने में दूसरे दिन आदमी पहुंच जाता है, तो छोटा राज्य तो छोटी उम्मीदें करेगा ना। और उस छोटे से राज्य में अगर आप मुख्यमंत्री बार बार बदलेंगे, और बदलने से प्रदेश पे आर्थिक बोझ, साथ में प्रदेश पे जो ये राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है वो बरकरार रहता है, तो उसमें कैसे विश्वास कैसे जगे जनता में? देखो, एक तो बदलने में किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है, जो व्यवस्था का अंग है वो वैसी की वैसी चलती है, कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है। दूसरे सब मिलकर के काम करते हैं, उसका परिणाम भी निकलता है, हर जगह परिणाम निकला है, तो उसमें कहीं पर भी कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। जनरल खंडूरी जी बने, और आप देखिए ना, हम नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखते हैं, इसलिए हमने राज्य बनाया, अटल जी ने राज्य दिया, हमारी सरकार नहीं आई, लेकिन हम चुनाव तक हमने इंतजार नहीं किया, घर में नहीं बैठे, हम फील्ड में रहे, अगली बार हमारी सरकार आई, जनरल खंडूरी जी बने हैं। आर्थिक बोझ निशंक जी, आर्थिक आर्थिक क्या बने, विधायक नहीं थे, सांसद को आप तो, मुख्यमंत्री बना तो विधायक बन गए, लड़ना होता है, विधायक भी लड़ते हैं, एक लोकसभा से हटाते हैं उनको भी लड़ते हैं, मतलब एक जो व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, आर्थिक बोझ तो पड़ता है। मुझे बताओ, लोकतंत्र के अंदर चुनाव सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जनता की मोहर लगती है। खंडूरी जी को अपने सांसद से बनाया, तो जनता की मोहर लगनी जरूरी है ना कि विधायक बने। आर्थिक बोझ की बात करेंगे तो फिर 70 सीटों पर चुनाव क्यों कराया जाए, आर्थिक बोझ तो उस पर भी पड़ता है। एक सीट पर कितना, सर, 3 मुख्यमंत्री आप बदल दिए, 57 की संख्या थी, प्रचंड बहुमत था, और उसके बाद आज भी आप प्रयास कर रहे हैं कि 2-3 विधायक और आ जाएं। आपने निर्दलीय ले लिया, आपने कांग्रेस के विधायक को ले लिया, तो क्या कोई डर है कि 57 की संख्या से हम पीछे आ जाएंगे? हम प्रयास नहीं कर रहे, लोगों को तो ले रहे हैं हम, हाँ ले रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कारण क्या है, जो लोग राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, स्वच्छ स्वच्छ और ईमानदार राजनीति का समर्थन करते हैं, हमारे नेतृत्व का, हमारी नीतियों का, हमारे नेता का समर्थन करते हैं, उनके साथ हैं, अपनी राजनीतिक जो कार्यशैली है उसको बदलकर राष्ट्र के निर्माण की कार्यशैली में लगना चाहते हैं, उनका स्वागत है। तो 4 वर्षों में तो हमने तो नहीं देखा कि जिनको आपने तथाकथित आयातित जो लोग थे, जिन्हें आप मंत्री भी बनाए, वो आपकी विचारधारा से नहीं जुड़ पाए। आज भी संशय की स्थिति बनी रहती है, दुविधा की स्थिति बनी रहती है, कब वो कांग्रेस में न चले जाए, तो इसको स्थिरता माना जाए कि अस्थिरता? नहीं नहीं, राजनीति में जब चुनाव का समय आता है जी, तो चुनाव के समय विचारधारा के साथ साथ लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी काम करती हैं, उसके कारण इधर से उधर भी लोग जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जनता निर्णय करती है कि वो ठीक है कि गलत है, ये निर्णय जनता करती है। 2 व्यक्ति चले गए, दोनों वो, एक वो जनता निर्णय करेगी। आपके मुख्य पिलर थे, मंत्री थे, महत्वपूर्ण विभाग था, दूसरा उनके लड़के थे, 2 चले गए, और रोज चर्चाओं में रहता है कि 2-4 और जाएंगे, तो क्या ये माना जाए कि आपकी विचारधारा में वह रम बस नहीं पाए? ये वो उसका उत्तर देंगे ना, मुझे तो यही भाई, वो इस विचारधारा के साथ अपने को, क्योंकि 60 साल जिस विचारधारा में वो रहे और जिस प्रकार का उनको, जिस वातावरण में वो रहे, हो सकता है ये वातावरण उनको न मिला हो, क्योंकि मैंने बताया ना कि हमारी सरकार तो 0 टॉलरेंस की सरकार है, जो छूट वहाँ थी वो छूट यहाँ नहीं मिल सकती, तो 0 टॉलरेंस की सरकार में काम करना, अपने को खपा करके देश के निर्माण में काम करना, ये हर एक के बस का नहीं है, जो करेगा वो टिकेगा, मतलब जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो जाएगा। जो जाना चाहते हैं, ये माना जाए कि जो आपकी विचारधारा रही है कि न खाएंगे न खाने देंगे, उसमें सेट नहीं हो पाए? नहीं, मैं नहीं कहता, ये तो वो बताएंगे, लेकिन ये उनको कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत हुई होगी, इसके कारण उन्होंने निर्णय किया होगा। नहीं, इस अवसर के बाद भी, एक ऐसा अवसर था जब आपने लोगों को लिया और प्रचंड बहुमत लिए, और उसके बाद भी आज जाने की स्थिति में, उसके बाद भी आप कांग्रेस के उन विधायकों को आप ले रहे हैं जो कांग्रेस विचारधारा के हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस विचारधारा बची रही है,
कांग्रेस वैचारिक दृष्टि से पूरी तरह से दैन्य है। कांग्रेस केवल एक परिवार की पार्टी हो गई है, क्योंकि आप देखेंगे विचारधारा की पार्टी होती, बीजेपी विचारधारा की पार्टी है। 21 साल में 8 राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए कांग्रेस के अंदर, 21 साल से एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो इस्तीफा दे देते हैं फिर भी बने रहते हैं, फिर कभी कार्यकारी बन जाते हैं, फिर वो कहते हैं हम भी बनेंगे, उसके उनके अलावा कोई है वहां। तो वैचारिक दृष्टि से पूरी पार्टी का दिवाला निकल चुका है और जनता में भी उनके प्रति एक, मैं तो कहूंगा नफरत का भाव है, जनता में एक नफरत का भाव है। और आज कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। बात चलिए मैं मान गया डूबता हुआ जहाज है, लेकिन उस सारे जहाज के जितने यात्री थे वो तो आपके जहाज पे सवार हो चुके हैं। जो हमारे, मैंने बताया ना, जो डूबते हुए उसमें जहाज भी छलांग लगा के जीवन बचाने के लिए आएगा, और जिसका जीवन बच जाए वो सोचेगा कि शेष बचा हुआ जीवन मेरा राष्ट्र निर्माण में लग जाए, तो इसमें बुराई क्या है? ये विचार करने वाली बात नहीं है कि जो विचारधारा में आपके सेट नहीं हो पा रहे दोबारा फिर ऐसी गलती नहीं, नहीं। ऐसे लोगों हम तो हमारे 57 की जो संख्या थी आपकी, हम अपने विचार से कहीं पर भी एक इंच भी इधर से उधर नहीं होते। हमारे विचार पर जो चल सकता है वो हमारे साथ चलेगा, जो नहीं चलेगा वो छूट जाएगा। तो चुनाव में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जनता सब जानती है ना कि कौन व्यक्ति किस लिए गया, ये जनता जानती है। आपने कहा विकास कार्य पे चुनाव होगा, आपने कहा भ्रष्टाचार का जो आप लोगों ने खिलाफत की है, भ्रष्टाचार रोका है, उस पर चुनाव होगा। लेकिन इन सब के साथ अगर देखा जाए, जैसे चुनाव के सामने नए मुख्यमंत्री के पास समय कम मिला है, लेकिन जिस तरह से वो भाग रहे हैं, जिस तरह से वह अपने आप को प्रूफ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का पुष्कर सिंह धामी होंगे? देखिए एक बात तो आप मानिए कि नए मुख्यमंत्री हमारे 45 वर्ष के नौजवान ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं, और पहले ही दिन से उन्होंने अपनी ऊर्जा का प्रकटीकरण किया है, हर आदमी उसको मानता है। और जब किसी भी राजनीतिक दल का मुख्यमंत्री होता है तो मुख्यमंत्री को ही चेहरा लेकर वो राजनीतिक दल चुनाव में जाता है। चुनाव में हमारा चेहरा उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो हमारा चेहरा है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हमारा केंद्रीय नेतृत्व, उसका उनको पूरा समर्थन है, पूरी पार्टी उनके साथ है। और हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व की कार्यशैली, केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जिसने सामूहिक नेतृत्व की कार्यशैली विकसित की है, उस कार्यशैली पर हम आगे बढ़ते हैं सब एक साथ। चुनाव पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर लड़ेंगे कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे? चुनाव भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर लड़ेंगे, जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी हमको अपना आशीर्वाद, समर्थन, सहयोग सब कुछ देंगे, और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी उसकी अगुवाई करेंगे। चुनाव में आपके सामने कांग्रेस होगी कि आम आदमी पार्टी होगी, ये उन दोनों को तय करना है कौन रहेगा। चुनाव में 57 जो विधायक थे जो आपके जीते हुए थे, जिसमें 2 चले गए, उसके बाद 3 आ गए हैं, 58 को क्या आप दोबारा सीट देंगे? ये केंद्रीय हाईकमान का काम है, सबका विश्लेषण करके और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर टिकट मिलेंगे। आने वाले समय में पुष्कर सिंह धामी जैसा देखने को कभी कभी मिलता है कि कुछ लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी भी दिखाई देती है, तो साधने में सफल होंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में अपना अपना सोचने का ढंग और वक्तव्य, लेकिन कलेक्टिव लीडरशिप या कलेक्टिव चिंतन जो है, हमारा बूथ का कार्यकर्ता भी वही सोचता है जो हमारे प्रधानमंत्री जी सोचते हैं। आप कभी भी अजमा करके देख लीजिए, किसी घटना पर उनका व्यू देख लीजिए और बूथ के कार्यकर्ता का देख लीजिए। ये शैली बीजेपी ने ही विकसित की है, इस प्रकार का विकसित कार्यकर्ता जब काम करता है तो वो अपनी बात उचित फोरम पर रखता है, लेकिन जब निर्णय होता है तो उसका सब पालन करते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है डिस्कस मर्सीलेसली, उसमें किसी का कोई वो नहीं, डिस्कस मर्सीलेसली बट डिसाइड यूनैनिमसली। थैंक यू नरेश बंसल जी। ये थे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी, जिन्होंने बड़ी मजबूती से सरकार के साथ साथ संगठन का भी पक्ष रखा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आपदा को अवसर में बदली है,
तो देखना ये होगा कि उत्तराखंड की जनता जब चुनाव होगा तो चुनाव में वह किस निर्णय पे जाती है। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।